लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ही जलाभिषेक करके देवघर क्यों जाते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन मास में कांवर मेला का बहुत बड़ा आयोजन होता है। भारतवर्ष में बिहार के सुल्तानगंज से लोग कांवर से जल उठा करके देवघर जाकर के बाबा बैजनाथ धाम को जल अर्पित करते हैं। तो इसके पीछे क्या मान्यता है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। प्रश्न ये है कि सुल्तानगंज की गंगा से जल से की ही बाबा बैजनाथ धाम का क्यों अभिषेक होता है, इसके बारे में और इसके पीछे क्या इतिहास है और क्या कहानी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जो सुल्तानगंज की जो गंगा नदी है वो उत्तरवाहिनी गंगा है और उत्तरवाहिनी गंगा भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके पीछे भी कहानी है और यहाँ पे ही सुल्तानगंज में जहाँ से हम जल उठाते हैं वहाँ अजगैवी नाथ मंदिर भी है, इसकी भी एक कहानी है। तो ये तो उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण यहाँ का जल बहुत शुद्ध और पवित्र है। इसी से भगवान देवघर में जाके बाबा बैजनाथ धाम को रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक किया जाता है। और बाबा अजगैवी नाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात है, बाबा अजगैवी नाथ सावन के महीने में कांवर लेकर के देवघर की ओर जा रहे थे। रास्ते में भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। वो भगवान शंकर एक भिखारी का भेष धारण करके प्यासा होने का नाटक करने लगे और उससे कहा, अजगैवी नाथ से कहे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। और वो अजगैवी नाथ बाबा जल लेके अपनी कांवर लेके देवघर की ओर जा रहे थे। तो उनके मन में लगा कि मैं क्या करूं, यदि मैं मंदिर जाता हूं और कोई प्यासा है तो ये ठीक नहीं, उनकी अंतरात्मा बोलने लगी। तब उन्होंने कहा, क्या होगा, मैं पहले इन्हें जल पिला देता हूं, बाद में जाके फिर से मैं सुल्तानगंज जाऊंगा और जल उठा के ले आऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो कांवर का जो जल था वो भगवान भोलेनाथ को पिला दिया, जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो गए और बहुत खुश हुए। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी सुल्तानगंज में जल उठाएगा वो तो तुम्हारे मंदिर में दर्शन जरूर करने आएगा। तो इसलिए जब भी लोग सुल्तानगंज जाते हैं तो बाबा अजगैवी नाथ में वहाँ पर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद वो अपनी देवघर की यात्रा को आरंभ करते हैं। तो ये इसके पीछे ये कथा है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ की उत्तरवाहिनी गंगा को लेकर के लोग बहुत श्रद्धा भाव से पैदल यात्रा करके देवघर जाते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा करने में 105 किलोमीटर का अंतर्गत है। और दोस्तों, सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 105 किलोमीटर है और यहाँ पे जो शिव के भक्त हैं कांवरियाँ, वो बहुत श्रद्धा भाव से अपने कंधे पे कांवर और गंगा जल को लेकर के 2 से 3 दिन की यात्रा की दूरी तय करके देवघर पहुंचते हैं और यहाँ पर भोलेनाथ को जल का अभिषेक करते हैं। साथ ही यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे का प्रोजेक्ट किया गया है। यह 2014 में यह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत गंगा जी के जल को स्वच्छ करने का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही वहाँ पे नमामि गंगे से के कारण वहाँ के घाटों को बहुत सुंदर और चौड़ीकरण किया गया। साथ ही उस एरिया को काफ़ी साफ सुथरा बनाया गया। साथ में ही जो भी शिव के भक्त हैं वहाँ ठहरने के लिए आते हैं, रुकने के लिए करते हैं, तो उनके टेंट और उनके रहने ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सुबह शाम गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है। हम सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत एहसान मंद हैं क्योंकि उन्हें नमामि गंगे का प्रोजेक्ट सुल्तानगंज में भी और वाराणसी में भी रखा है। तो दोस्तों, आगे भी हमें अपने इस श्रद्धा भक्ति भाव से इस अपने भारतीय कल्चर को, जो इंडियन कल्चर है, उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि सुल्तानगंज का नाम मुगलों ने रखा था, यदि आप सब प्रयास करके एक सुल्तानगंज का नाम को चेंज करके गंगा धाम या शिव जी के नाम से रख दें तो ये बहुत अच्छा होगा। आप सभी भी इस प्रोजेक्ट पर थोड़ी पहल करें कि सुल्तानगंज का नाम चेंज करके गंगा धाम या कुछ और भी रखा जाए। बताता हूँ कि गंगा के इस घाट, सुल्तानगंज के इस घाट से देवघर का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और जब से देवघर को लोग जानने लगे हैं तब से ही इसी घाट से जलाभिषेक करके सभी भक्तगण वहाँ पे पहुँचते हैं। थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे पंडा जी इनसे हम बात करते हैं। पंडा जी यहाँ के हैं। अच्छा, देश के सभी कोने से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ही जलाभिषेक क्यों करते हैं? यहीं से, यही का ये रीति है, यहीं से होवे कर काहे, जो उत्तरवाहिनी गंगा यहीं से हुआ है, ठीक है, इसके कारण यहीं से जल भर कर। जब रावण गए थे, राम भगवान गए थे उस टाइम में,
तब तो यहाँ से सब कांवर भक्त तो जेबे करेंगे। और वो लोग आए थे तो यहीं से ही जल लेकर के गए, यहीं से जल लेकर के बाबा नगरी के लिए गए थे। और यहाँ पे एक और लोग उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, इस घाट का देवघर से क्या संबंध रहा बाबा? ये उत्तरवाहिनी गंगा है, इसी का महत्वपूर्ण है, यहीं से जल उठाया जाता है, इसी का मान्यता है। भगवान देवलोक भी यहाँ से गए थे, रावण, राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ से जल भर के उत्तरवाहिनी गंगा से ही बाबा नगरी भोलेनाथ पे जल अर्पण किए थे। ये इसकी महत्वपूर्ण है। और बहुत पुराना संबंध इस घाट का देवघर से रहा, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ से, यहाँ जो गंगा है उत्तरवाहिनी है, और उत्तरवाहिनी गंगा का जल महादेव को बड़ी लुभाता है, बड़ी भाता है, और इसलिए शायद एक तो एक ये बातें